This is Virender Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. आज का जो topic है, it's a very very important topic कि how to get rid of negative thoughts, यानी नकारात्मक सोच से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ. और यहाँ पे हम एक नया technique कह लीजिए या नया concept है, that is called RAS. ओके, मींस रेडिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, उसको हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली होता क्या है जब हम नेगेटिव सोच को इनवाइट करते हैं. ओके, तो ये जो सिस्टम है इस रेडिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी जिसे मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा. देखिए, अगर फिजिकली देखा जाए तो कुछ सेट ऑफ न्यूरॉन सेल्स हमारे ब्रेन के नीचे हैं, राइट. इसे आप एक गेटवे कह लीजिए या एक गेट कीपर की तरह इसको समझिए कि जो भी हम थॉट्स जनरेट करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि सेंसरी इनपुट हो या कोई विचार हो, जो भी आउटसाइड से हमारे माइंड के अंदर प्रवेश करता है, उसको स्कैन करने के लिए अगर कोई सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड RAS सिस्टम. ओके, तो ये वो सिस्टम है जिसकी परमिशन के बिना कोई भी विचार, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, हमारे माइंड लेवल पे प्रवेश नहीं कर सकता. तो आज इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हम अपनी लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, सो देखिए, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी. ओके, अगर हम कोई भी रियल टाइम सिचुएशन को देखते हैं या फील करते हैं, इसकी बजाय अगर हम किसी भी चीज़ को इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं किसी भी चीज़ की, तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है. मींस सबकॉन्शियस माइंड इन दोनों में से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये रियल टाइम सिचुएशन हैपनिंग हो रहा है सामने या फिर एक इमेजिनेशन चल रहा है. ओके, हमारा सबकॉन्शियस माइंड दोनों को सेम इनपुट कंसीडर करता है. ओके, तो इसलिए इमेजिनेशन पावर का जो यूज़ है हमारी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इमेजिनेशन वर्क करता है. ओके, तो इस चीज़ को हम आगे समझते हैं. लाइक जो हमारे दो लेवल्स हैं माइंड के, वन इज़ कॉन्शियस माइंड एंड द सेकंड इज़ द सबकॉन्शियस माइंड. देखिए, जितनी इंफॉर्मेशन आउटसाइड से हमारा कॉन्शियस माइंड, मींस कॉन्शियस लेवल पे हम जितना इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेस करता है. क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है वहाँ हम बहुत सारे लॉजिक्स और क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं या डिसीजन मेकिंग यूज़ करते हैं कि ये सही है या ये गलत. लेकिन उसके ठीक अपोजिट, उसके बैकग्राउंड में जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बिलीव्स हैं या वैल्यूज़ हैं, वो सारी की सारी साइकिक इम्प्रेशंस की टर्म्स में हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बॉटम में स्टोर होती हैं. तो यहाँ मैं एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को मैं डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूँ, इस चीज़ को बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मदर है. ओके, मदर का बेबी है, वो एक अगले एक नेक्स्ट रूम में वो सोया हुआ है. ओके, और मदर के पास सो मैनी इश्यूज़ हैं वर्क के लिए. उसको मिल्क के बारे में सोचना है, उसको अपने डिनर सपोज उसको रेडी करना है, या और बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ हैं जिसके बारे में वो सोच रही है. और एट द सेम टाइम अगर बाहर से नॉइज़ भी आ रही है, मींस बाहर डीजे भी अगर बज रहा है, तो अगर बेबी उसका क्राई करता है या हल्की से भी नॉइज़ करता है, ठीक एट द सेम टाइम वो मदर कैपेबल होती है उसके बेबी की क्राई को सेंस करने के लिए. तो अपने आप में आप बोलेंगे कि ये चमत्कार है. यस, दिस इज़ अ मिरेकल, क्योंकि मदर ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये इंस्ट्रक्शन डाल दी कि उसको अटेंशन पे करना है बेबी की तरफ, कि अगर उसका बेबी हल्की सी भी नॉइज़ क्रिएट करता है तो
तो वो उसको सेंस कर लेगी, इसके बजाय कि चाहे डीजे बज रहा हो या दुनिया भर की बाहर से जो नॉइजेज हैं, अननेसेसरी नॉइजेज हैं, वो आ रही हो या और बहुत सारे इश्यूज पैरेलली चल रहे हों, इसके बावजूद जो मदर का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो उन सभी इंफॉर्मेशंस को अलाउ नहीं करता उसके माइंड में प्रवेश करने के लिए। वो खाली एक ही इंफॉर्मेशन के प्रति सजग है, बहुत ज़्यादा सचेत है, और वो है उसके बेबी की आवाज़। तो सिमिलरली जब ये सिस्टम इसके मदर के ऊपर, मतलब मदर के ऊपर जब ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, तो सेम हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर भी ये सिस्टम काम करता है। हम क्यों बार बार फोकस करते हैं नकारात्मक चीज़ों की तरफ या नेगेटिव इमेजेस को फ्लैश करने की कोशिश करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम जो नकारात्मकता से भर गए हैं, ओके, और हम इससे कैसे बचें। उस समय हम ये नेगेटिवली प्रोग्राम करते हैं माइंड को, लेकिन देखा जाए रियलिटी के अंदर तो हम ही इनवाइट कर रहे हैं, हम ही वो फ्लैश कर रहे हैं नेगेटिव इमेजेस को, हम अलाउ कर रहे हैं अपने सिस्टम से कि वो हमारे अंदर आए। ओके, तो ये एक सिस्टम था, क्योंकि ये हमारा सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोई भी सपोज हम नेगेटिव विचार अपने मन में लाते हैं, चाहे वो एंगर का है, चाहे वो लस्ट का है, या किसी भी चीज़ का है, तो उसके पर्टिकुलर एक रिएक्शन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होती है, फील होती है। आप सबका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब एंगर जैसा नेगेटिव इमोशन आता है तो कैसे कॉन्ट्रास्ट करने लग जाता है हमारा बॉडी, ओके, जैसे रेड हो जाता है या एक अजीब सा उस समय जो अनईज हम फील करते हैं, तो ये सिम्टम है कि इस चीज का कि जो भी विचार हम ला रहे हैं अपने माइंड में, ठीक उसके करस्पोंडिंग उसका प्रभाव हम देख सकते हैं अपनी फिजिकल बॉडी पे और अपनी मेंटल बॉडी पे। ओके, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। इसी के ठीक अपोजिट अगर आप सकारात्मक सोच लेकर के आते हैं या कोई भी पॉजिटिव इमेजेस, मैं यहाँ पावर ऑफ पॉजिटिव इमेजेस की बात कर रहा हूँ, कि पॉजिटिव पावरफुल मेंटल इमेज अगर आप इमेजिन भी करते हैं, तो उसके करस्पोंडिंग जो फीलिंग, जो पॉजिटिव साइकिक इंप्रेशंस हैं वो जनरेट होते हैं। ओके, और उस समय आप एक ईज का, एक ईजनेस जो है वो आप फील करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इस सिस्टम को आपको समझना है, क्योंकि आपका एक खुशनुमा एक एहसास, ओके, ये वो केमिकल्स आपके एंडोक्राइन सिस्टम में से सिक्रीट करेगा जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप इस चीज़ को समझिए, अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में यही एक साधन है नकारात्मक सोच से बचने का। क्योंकि देखिए, नकारात्मक सोच एक अंधेरे की तरह है, आप अंधेरे से फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अंधेरे से फाइट करेंगे तो आप अपनी जो टांग बाजू है ये तोड़वा पाएंगे, राइट? तो हमें उससे फाइट नहीं करना, हमें जस्ट अपने ट्यूबलाइट का जो स्विच है वो ऑन करना है, जिसको यहाँ पे मैं पॉजिटिव पावरफुल मेंटल इमेज बोल रहा हूँ। ओके, सो एक चीज़ और आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे गूगल है, ओके, गूगल में बहुत सारा वास्ट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस हैं, लेकिन हम कैसे पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो है हम गूगल इंजन में डालते हैं और वो ऑटोमेटिकली वही उसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है गूगल हमें वो शो करता है। यहाँ हम इतने पर्टिकुलर हैं, हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड की तरफ जो हमें चाहिए। तो हम क्यों नहीं अपने आप को प्रोग्राम करते कि जो हमें चाहिए हम केवल उसी पे फोकस करें? क्यों हम बार बार उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं या ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते हैं? तो आप इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ इसको आप समझिए, अपनी लाइफ के अंदर हर लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, तो ये जो चीज़ है वो काम करेगी। तो इसका जो सोल्यूशन है, पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी आप चाहें या जो भी आप चाहते हैं कि घटित हो आपकी लाइफ के अंदर, उसका एक स्क्रिप्ट
जरूर लिखें, एक डायरी जरूर मेंटेन करें जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि लिखते वक्त जो आपके फिंगर्स है, हाथ का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके ब्रेन के साथ, जो भी आप लिखते हैं एग्जैक्टली ब्रेन वो न्यूरो पाथवेज क्रिएट करता है। ओके और सेकंड मेथड इसी के साथ साथ जो मोस्ट पावरफुल है वो है मेंटल मूवी का। तो जैसा रिजल्ट्स आप चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं या जो भी पाना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, समृद्धि हो, जो भी रिजल्ट्स आप चाहते हैं, उसका एक मेंटल मूवी क्रिएट कीजिए, राइट। और ऐसा सोचिए कि अगर सपोज वो आपको चीज़ें मिल जाती हैं, ओके, तो आप कैसा फील करेंगे, वो वाली फीलिंग्स को इनवाइट कीजिए, राइट। तो ये जो सर्किट है वो पूरा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है काम करेगा, और जो नेचर है, प्रकृति है, वो षड्यंत्र रचेगी आपको वो चीज दिलाने में। ओके तो आज का ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, इट्स रियली वेरी पावरफुल, और मुझे विश्वास है आप इसके ऊपर वर्क करेंगे और अपनी लाइफ को समृद्धि से, अच्छी हेल्थ से, वेल्थ से भर देंगे, राइट। सो फॉर मोर अबाउट माय कोर्सेज यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, राइट। सो विद दीज वर्ड्स थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।